यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यमुनानगर गैंगरेप का मामला है। गैंगरेप मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो कल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब पुलिस की गिरफ्त में चौथा आदमी भी आ गया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमुनानगर गैंगरेप का ये मामला है। कल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और आज चौथा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। ये सारी जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमुनानगर गैंगरेप का मामला है जहां पर बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया था। इसके तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज चौथा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। तो ये बड़ी कामयाबी देखी जा रही है पुलिस की और जल्द ही पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये सारी जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। पुलिस ने चौथे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पहले से ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। फरार 5वें आरोपी की भी अभी तलाश जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगरेप मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पहले से ही 3 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। यमुनानगर गैंगरेप का ये मामला है और आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी जानकारी दी है। गैंगरेप मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कामयाबी देखी जा रही है पुलिस की।